भाजपा प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी के बयान को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस आज पूरे प्रदेश में पुतला दहन कर रही है। पुरंदेश्वरी के बयान को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने छत्तीसगढ़ का अपमान बताया है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने 70 कांग्रेस विधायकों की संख्या कुछ और बढ़ सकती है वाले बयान पर मोहन मरकाम ने कहा कि हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है, संगठन के पास बात आएगी तो हाईकमान निर्णय लेगा। इन दोनों मुद्दों पर खास बातचीत की हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार ने। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी आज पूरे प्रदेश भर में डी पुरंदेश्वरी के बयान को लेकर पुतला दहन का कार्यक्रम आयोजित कर रही है और इस वक्त हमारे साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम जी है। मरकाम जी, इस बयान को कैसे देखते हैं आप लोग? भाजपा के छत्तीसगढ़ प्रभारी डी पुरंदेश्वरी जी ने थूककर सरकार और मंत्रियों को बहने की जो बात कही है, ये बयान छत्तीसगढ़ के 2,80,00,000 जनता को एक बहने की बात है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता ने सरकार बनाने का मौका दिया है। ऐतिहासिक जनादेश के साथ भारतीय जनता पार्टी अपने आप को संस्कारवान पार्टी मानती है, मगर जिस ढंग से बयान आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी तुच्छ मानसिकता को दिखाता है। आज छत्तीसगढ़ की सरकार छत्तीसगढ़ की जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास कर रही है, मगर भारतीय जनता पार्टी को नागौर गुजर रहा है। लेकिन भाजपा और उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं विष्णु देसाई, वो कह रहे हैं कि उच्चारण में गलती हो गई, उनकी आशा है जो है थूकना नहीं फूकना था। देखिए, थूकना हो चाहे फूकना हो, उनको स्पष्ट है आप किसको फूकना चाहते हैं और किसके थूकना चाहते हैं। एक और सवाल है, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव कह रहे हैं कि 70 से 72 विधायक हमारे होने वाले हैं, तो क्या लगता है कि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के कुछ विधायक आने वाले हैं? देखिए, हमारे पास ऐसी कोई बातें नहीं आई है। संगठन के पास कोई भी बातें आएंगी तो जो भी निर्णय हाईकमान करता है, हाईकमान के निर्णय के अनुसार ही छत्तीसगढ़ संगठन करता है। तो अभी हमारे पास कोई भी आए नहीं है, तो हम कई मुद्दे पर कहना जल्दबाजी होगी। तो ये थे हमारे साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम, जिनका साफ तौर पर कहना है कि डी पुरंदेश्वरी के बयान के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस जो है पूरी तरीके से इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ेगी। चूंकि 2018 में किसान और छत्तीसगढ़ियों का ही सबसे ज्यादा पूरी तरीके से वोट कांग्रेस को मिला और ऐतिहासिक 68 सीटें प्राप्त हुई, अब देखना होगा कि किस तरीके से आने वाले दिनों में बीजेपी जो है इस रणनीति पर अपनी आगे बढ़ेगी और कैसे जो है कांग्रेस के जो लगातार हमलावर है उससे वो बचाव करते हुए नजर आएगी। कैमरामैन नजीर के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर।